स्ट्रेस टेंशन जीवन में ज़्यादा होता है तो ये जीवन को बर्बाद कर देता है और अगर लिमिट में है तो ये लाइफ को बना देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होने का साइंटिफिक रीज़न क्या है, स्ट्रेस में कौन से योगासन और प्राणायाम करना है और उसी के साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप और भी क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहे। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो विषय है वो है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के ऊपर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस यानी कि तनाव। जब भी हमारे जीवन में किसी भी तरह की चुनौती आती है या तो मुश्किल भरा समय आता है तो इसके दौरान हमारे शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसके लिए वो होता है हमारा स्ट्रेस। और इस तरह के सिचुएशन कब आती है कि जब हमारा कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिशन है या भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपको स्ट्रेस की ये सिचुएशन आएगी। अब ये जो स्ट्रेस है ये तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है उसे कहा जाता है एक्यूट स्ट्रेस। तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है, एकदम सामान्य होता है स्ट्रेस का ये प्रकार कि यहाँ पर जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी मुसीबत आती है या आप बाहरी जो भी बदलाव आते हैं तो उसके दौरान आपकी बॉडी की जो भी प्रतिक्रिया होती है वो होता है ये वाला स्ट्रेस। और ये जो एक्यूट स्ट्रेस है इसके दौरान आप डिसाइड करते हो कि इसको पॉजिटिव लेना है या तो नेगेटिव लेना है। अब इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है एपिस्टिक एक्यूट स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है वो एक्यूट स्ट्रेस का ही प्रकार है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि एक्यूट स्ट्रेस की जो सिचुएशन है वो लगातार बार बार दोहराती जाती है कि एक मुसीबत ख़त्म हुई कि दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो तो वो जो स्ट्रेस होता है उसे कहा जाता है एपिस्टिक एक्यूट स्ट्रेस। अब इसका जो तीसरा प्रकार है वो थोड़ा गंभीर प्रकार है, इसको क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो नॉर्मल स्ट्रेस की सिचुएशन है उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, लगातार लंबे समय तक आप अपने स्ट्रेस में ही रहते हो तब जाकर ये सिचुएशन जो बनेगी वो कहलाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। और इसके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। इस तरह की जो समस्या है वो होने का साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो ये जो समस्याएं आती है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसा ही एक हार्मोन है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड में बनता है और ये ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपरी हिस्सों में स्थित, और इसके द्वारा जो कॉर्टिसोल जनरेट किया जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। तो ये जो कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता है और आप लगातार स्ट्रेस यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस की अवस्था में रहते हो तो उस वजह से आपको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि ये आपके हार्ट को खतरा होता है, आपकी हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, अभी हाई बीपी की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, नर्व सिस्टम जो है वो वीक हो जाती है, उम्र ज़्यादा दिखने लगती है, जल्दी से बुढ़ापा दिखने लगता है, आपका वज़न बढ़ जाता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इस तरह से काफ़ी सारे नुकसान आपको स्ट्रेस की वजह से और ये जो कॉर्टिसोल की मात्रा होती है वो अगर बढ़ जाती है शरीर में तो उस वजह से हो सकते हैं। तो आज हम ये जो भी आसन करेंगे ये सारे आसन ये तीनों ही ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। आज के अभ्यास की शुरुआत हम ओमकार से करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दो ओमकार करके दिखाऊंगी और ओमकार का मेरा एक अलग से वीडियो है तो उसके भी आप देख सकते हैं और डिटेल में ओमकार के बारे में जान सकते हैं। तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए ओम की साउंड करें। Oh.
पसलियों को रब करें, आंखों पर लगाएं और फिर आंखों को खोल लीजिए। आपको ओमकार का अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार करना है। और अब हम इसके बाद आसन करते हैं। हमारा पहला जो आसन है वो है कैट काउ स्ट्रेच, जिसके लिए इस तरह से घुटनों के बल बैठ जाए, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखें, पैर के पंजे जमीन के ऊपर लगा के रखें, रिस्ट और शोल्डर दोनों एक लाइन में रखेंगे, नी और हिप एक लाइन में रहेंगे। अब यहाँ से सांस को भरते हुए हम अपने नेक को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और लोअर बैक को नीचे की ओर यानी कि ज़मीन की साइड पुश करने की कोशिश करें, और सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाएं और अपर बैक को राउंड शेप में ले आए। सांस भरें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, लोअर बैक को नीचे पुश करें, सांस छोड़ें, अपर बैक को राउंड शेप में ले आए और चीन को चेस्ट से लगाएं। तो इस तरह की जो मूवमेंट है, मैं यहाँ पर आपको 3 बार करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इसको कम से कम 7 से 8 बार रिपीट करना है और फिर सांस को भरे और रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ पर सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए यहाँ से हमें करना है उत्तान शीर्षासन। तो पैरों की पोजीशन वही रहेगी, हम अपने हाथों से इस तरह से धीरे धीरे आगे की ओर जाने की कोशिश करें और अपनी जो चेस्ट है, चीन है, उसको ज़मीन के ऊपर लगाएं। अगर आप चाहें तो पैरों को टोस के ऊपर भी रख सकते हैं और इस तरह से फीट को ज़मीन के ऊपर लगा कर भी रख सकते हैं। हिप्स का जो पोस्चर है वो पूरी तरह से ऊपर की ओर होना चाहिए। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करना है और कम से कम इस पोज को 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और 3 बार इसको रिपीट करें। अगर आप इस तरह से अपनी चीन और चेस्ट ज़मीन के ऊपर नहीं लगा पाते हैं तो सिर्फ फोरहेड को लगाकर भी होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद सांस को भरते हुए ठीक जैसे हम नीचे गए थे उसी तरह से हाथों के सपोर्ट से ऊपर आ जाए। और अब यहाँ से हमें करना है अधोमुख स्वानासन। तो सबसे पहले पैरों को टोस के ऊपर ले आए, नी को ऊपर कर लीजिए, पैरों को पूरी तरह से सीधा कर लीजिए और अपने सर को ज़मीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। तो एक बार इस पोज में आ जाए उसके बाद हमें अपनी एक हील को ऊपर उठाना है, नी को बेंड करना है और इस तरह की मूवमेंट यहाँ पर कंटिन्यू एक के बाद एक पैर से हमें करते जाना है। तो ये जो मूवमेंट है ये आपको 15 से 20 बार रिपीट करनी है। और अगर आप इस तरह की मूवमेंट नहीं कर पाते तो जैसे हम पहले अधोमुख स्वानासन में आए उसी पोज में आपको होल्ड करना है, कम से कम 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड करें और 3 बार इस आसन को रिपीट करें। और फिर सांस को भरते हुए हम हमारे नी को पहले ज़मीन के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम कुछ देर के लिए आराम के लिए हम चाइल्ड पोज में जाएंगे, जिसके लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, पैरों के अंगूठों को मिला लें और इस तरह से वज्रासन की पोजीशन में आए और हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करके रखें और अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगा लें। कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक, जब तक आप रिलैक्स नहीं फील करते तब तक इस पोज को होल्ड करके रखें। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए और पूरी तरह से रिलैक्स। अब यहाँ से हमें करना है भुनमन पद्मासन। तो ये जो आसन है उसके लिए हम पद्मासन लगाएंगे, लेकिन अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते हो तो आप नॉर्मल जो हम सुखासन पालथी मारकर बैठते हैं इस तरह से भी बैठकर इस आसन को कर सकते हैं। और उसके बाद हमें हमारे ब्रेस्ट को पकड़ लेना है पीछे की ओर। तो इस तरह से अपने ब्रेस्ट को पकड़ ले, स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लीजिए और फिर सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी लोअर बैक से नीचे की ओर जाने की कोशिश करें और अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। तो इस पोज में भी आप अपनी क्षमता के अनुसार रुके और कोशिश करें कि कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कर पाएँ और 3 बार इस पोज को आपको रिपीट करना है। हम हर एक पोज में जितना होल्ड करेंगे उतना ही उसका इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा आता है। और फिर उसके बाद सांस को भरते हुए ऊपर उठें और अपनी पोज को रिलीज कर दें। अब यहाँ से हमें करना है वक्रासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को सामने खोलकर इस तरह से बैठ जाएंगे और फिर एक पैर के पंजे को अपने दूसरे पैर के घुटने के पास रख देंगे। और अब जो पैर ऊपर है यानी कि राइट पैर है तो राइट हैंड को ऊपर उठाएं और उसी हाथ से उस पैर के पंजे को या तो अपना जो एंकल होता है उसको आप पकड़ सकते हैं
और फिर सांस छोड़े और पूरी तरह से बॉडी को ट्विस्ट करें, अपना जो शोल्डर है, अपना चेस्ट है उसको ओपन करें और आपकी जो नज़र है वो आपके शोल्डर के ऊपर से होकर पीछे की ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पर होल्ड करें अपनी क्षमता के अनुसार और फिर सांस को भरते हुए वापस आए। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करना है, तो पैर को फोल्ड करेंगे। अगर लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, उसी हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ लेना है या तो एंकल को पकड़ लेना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपने बॉडी को पहले पेट से और फिर अपने चेस्ट और अपने शोल्डर को ओपन करते जाए और नज़र को पीछे की ओर ले जाए। यहाँ पर भी आप अपनी क्षमता के अनुसार रुके, या तो 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। और दोनों ही साइड इस पोज को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना है और फिर सांस को भरते हुए वापस से आए और रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद हमें करना है पश्चिमोत्तानासन, तो उसके लिए सांस को भरेंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और पूरी तरह से अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से लोअर बैक से नीचे की ओर झुकने की कोशिश करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जाएं, अगर आप पूरा अपने टोज को नहीं पकड़ पाते हैं तो आप जहां तक भी जा सकते हैं वहां पर जाकर इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो अपने टोज को पकड़ लीजिए, फिर अपना जो फोरहेड है उसको भी नी के ऊपर लगाकर इस पोज को होल्ड करें। आप 30 सेकेंड या तो अपनी क्षमता के अनुसार भी यहाँ पर रोक सकते हैं। और पश्चिमोत्तानासन का मेरा एक अलग से वीडियो भी है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इस तरह अगर आप नहीं कर पाते हैं तो और किस तरह से इस पोज को किया जा सकता है वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और फिर सांस को भरते हुए सबसे पहले हम अपने हाथों को सीधा करेंगे और स्पाइन को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और रिलैक्स हो जाए। तो अब यहाँ से हमें करना है सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज। तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और दोनों पैरों की जो हील है उसको जितना हो सकता है अपने हिप्स से नज़दीक रखने की कोशिश करें और अपनी एंकल को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और फिर सांस को भरें और सांस को भरते हुए अपना जो पेल्विक का पोर्शन है उसको पूरी तरह से ऊपर की ओर उठाना है। और आप जितना पैर ऊपर उठाओगे पेल्विक, उतना ही आपका जो चेन है वो चेस्ट के ऊपर लग जाएगा और ये पोज अच्छे से होता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को भर के रोक के भी रख सकते हैं। और अगर आप इस तरह से इस पोज को नहीं कर पाते हैं, आप अपनी एंकल को नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपको अपने हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसको ज़मीन के ऊपर लगाकर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसको हम ज़मीन के ऊपर लगाएंगे और अपने पेल्विक को ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाए। तो ये जो पोज है इसमें भी आप अपनी क्षमता के अनुसार रुके और 3 बार इसका रिपीटेशन करें। अब यहाँ से हमें करना है उत्तान पादासन। तो अपना जो बॉडी है वो पूरी तरह से ज़मीन से लगा रहे, उस तरह से आपको सोना है और फिर सांस को भरते हुए दोनों ही पैरों को ऊपर की ओर उठाना है और पैर को पंजे जो है वो अपने चेहरे की ओर झुका कर रखना है और आपके पैर जो है वो पूरी तरह से सीधे होने चाहिए। पैर को 90 डिग्री तक आपको ऊपर की ओर उठाना है। आप चाहे तो इस पोज को वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक आराम से होल्ड कर पाएंगे। तो जितना हो सके इस पोज को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करें और 3 बार इस पोज का आपको रिपीटेशन करना है। तो इस पोज में भी आप सांस को भर के रोक के रख सकते हैं या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए भी इस पोज को आप होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें करना है पवन मुक्तासन। तो उसके लिए दोनों ही पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने पैरों को जितना हो सके अपने छाती से नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। तो सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए दोनों ही पैरों को छाती के ऊपर लगाने की कोशिश करें। आपका पेट जो है वो पूरी तरह से अंदर से दबा हुआ रहेगा और फिर अपने सर को भी ऊपर उठाएं और उसको अपने घुटनों के ऊपर लगा लीजिए। पैर के पंजे जो है वो ज़मीन की ओर स्ट्रेच किए हुए रहेंगे
और अगर आप अपना सर नहीं लगा पाते हैं घुटनों के ऊपर, तो आप अपने सर को ज़मीन के ऊपर लगा के भी रख सकते हैं और सिर्फ अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके हाथों से पकड़ के हुए भी इस पोज को होल्ड करिए। और इस पोज में भी आप सांस को बाहर की ओर रोक के रख सकते हैं या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए भी इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकें और उसके बाद इस आसन को रिलीज़ करें और 3 बार इसका रिपीटेशन ज़रूर करें। अब यहाँ से हमें लास्ट में करना है शवासन, तो उसके लिए हम दोनों पैरों को खोल लेंगे, हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसको आकाश की ओर खोल लेंगे और आँखों को बंद कर लेंगे। अपना जो पूरा ध्यान है वो हमारी ब्रीथिंग के ऊपर ले जाए, जितना हो सके लंबा और गहरा सांस लेने और छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी आप डीप ब्रीथिंग करेंगे उतना ही आपका मन और शरीर दोनों ही शांत होता जाएगा और पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाओगे। शवासन का अभ्यास 1 या 2 मिनट तक ज़रूर करें और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तो किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। ये सारे आसन हो जाने के बाद आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम भी करना है, तो ये दोनों के मेरे अलग से वीडियो हैं, तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप और भी क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो सांसें होती हैं ये बहुत फास्ट हो जाती हैं, तो पहला काम ये कीजिए कि किसी भी शांत जगह पर जाकर सिर्फ डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। और डीप ब्रीथिंग कैसे करना है इसका भी मेरा एक अलग से वीडियो है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो डीप ब्रीथिंग करने से आपकी जो सांसें फास्ट हो गई है वो स्लो हो जाती हैं और उसी के साथ साथ आपका मन भी शांत हो जाता है और आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी भी एक ऐसी जगह पर जाए, गार्डन में जाए या फिर किसी समंदर के किनारे या नदी के किनारे जाए, या तो सनसेट या सनराइज़ को देखने की कोशिश करें, जिससे भी आपका जो मन है वो पूरी तरह से नेचर के साथ जैसे कनेक्ट होगा तो आपका स्ट्रेस जो तनाव है वो भी दूर हो जाता है। और आपने हमेशा सुना होगा कि दर्द को बांटने से कम होता है, तो अपनी लाइफ में 1 या 2 ऐसे दोस्त ज़रूर रखें कि जिससे आप अपने सारी बातें खुलकर कर सके, तो इस तरह से आप अपनी बात को किसी और को बता दोगे तो वो आपको उसका सही सलाह देगा और उस तरह से आप अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप किसी को बता नहीं सकते हैं तो आप किसी डायरी को रखिए कि जिसमें आप अपनी सारी बातें लिख दीजिए, जिससे भी आपका स्ट्रेस आपको कम लगेगा। और उसके साथ अगर आपको अच्छा लगता है क्रिएटिविटी करना, आर्ट करना, और हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होती ही है, तो आपकी जो भी कला है उसको निखारें। अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, डांसिंग अच्छा लगता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपकी जो भी फेवरेट एक्टिविटी है उसके साथ कनेक्ट होंगे तो भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका जो डाइट है वो न्यूट्रिशन से भरपूर हो और हेल्दी हो। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आती है या चुनौती आती है तो आप उसका सामना एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। जब आपका थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो आप उस मुसीबत को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर जीवन में जहाँ थे वहाँ से और भी आगे बढ़ पाओगे। अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाए, आप कर सकते हैं, आपको हार नहीं माननी है, इस तरह की सोच रखनी है। जैसे हमें सर्दी बुखार होता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस समस्या का अगर आप सॉल्यूशन नहीं ला पाते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास या तो काउंसलर के पास भी जा सकते हैं और उसकी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी सारा वक्त लगता है, तो आपको लाइक करने में इतना वक्त नहीं लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।